मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात करेंगे, जहां पर सीएसपी हिना खान के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले होटल संचालकों के खिलाफ में केस दर्ज किया है। बता दें कि लिंक रोड पर होटल में बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही मामले में पुलिस ने होटल स्टाफ समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया है। बता दें कि बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करने पर आबकारी विभाग ने प्रतिबंध लगाया है। नव वर्ष को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नव वर्ष को देखते हुए अवैध शराब और इस प्रकार से जो अपने होटल में बिना लाइसेंस के शराब पिला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में कल रात्रि में सूचना मिली कि सीपरी लिंक रोड पर होटल नील श्री में होटल का जो मालिक है अवैध रूप से लोगों को शराब पिला रहा है। उस पर से सीएसपी यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में थाना झांसी रोड और यूनिवर्सिटी थाने के स्टाफ को लेके वहाँ पर दबिश दी गई और चेक करने पर वहाँ पर 15-20 लोग अवैध शराब पीते हुए मिले। उनके ऊपर 36 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की गई तथा जो होटल संचालक है उन पर 34 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की गई।